तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आया हूँ आप पटना में सभ्यता द्वार जो है वहाँ पे घूमने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं एक्चुअली कहाँ है, तो अभी वॉकिंग पे ही हूँ, अभी अंदर में ही। तो चलिए जाके आपको मैं दिखाता हूँ सभ्यता द्वार। और ये रहा, कुछ दूर थोड़ा चलना पड़ता है, अंदर में है सभ्यता द्वार और हम आ गए, तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए मैं आ गया हूँ सभ्यता द्वार और काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए शाम में। तो अगर आप भी आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसका गार्डन एरिया, और मैं आपको लेके चलता हूँ दिखाता हूँ। गंगा रिवर है जो अभी फ्रंट लाइन बन रहा है उसका, तो ये भी आपको ठीक सामने दिखेगा। और काफ़ी अच्छा यहाँ गए थे सभ्यता द्वार। मैं पहली बार आया हूँ रहता बहुत दिन से हूँ पटना में, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण खुला हुआ है तो मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। देखिए यहाँ पे गार्डन कितना मस्त, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ठीक सामने गंगा रिवर है और ये कुछ वॉकिंग एरिया है, और ये गार्डन है। देख रहे हैं गार्डन क्या खूबसूरत है, यहाँ के रख रखाव इतना अच्छा हुआ है इसका, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। स्लोली स्लोली म्यूजिक है तो इसको काफ़ी काफ़ी खूबसूरत बनाता है घूमते समय। दूसरे साइड सभ्यता द्वार के आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, काफ़ी धूप है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है यहाँ, शानदार घूमने के लिए काफ़ी ही बेहतर जगह है। सभ्यता द्वारा आके काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे स्लोली स्लोली म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे मतलब वातावरण एकदम शांत है। अगर आप पटना में हैं, अगर यहाँ नहीं आए तो आप बहुत बहुत मतलब क्या बहुत ही बड़ा चीज़ मिस कर देंगे। तो आप पटना में हैं तो आप यहाँ ज़रूर हैं। ये लमसम 2018 में ही इसका उद्घाटन हुआ है, तो जो पुराने लोग पटना में रहे होंगे उनको नहीं पता होगा, ये 2018 में ही इसका उद्घाटन हुआ था शायद मई में। तो आप अगर यहाँ पटना में हैं तो ज़रूर आएँ। आपको मैं सभ्यता द्वार, यहाँ पे एंट्री फीस एक भी जीरो कॉस्ट है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और यहाँ का गार्डन गार्डन एरिया भी काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।